देश का सबसे चर्चित सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार 137 दिन के लंबे अंतराल के बाद आज संसद में राहुल गांधी की एंट्री आखिरकार हो ही गई और एंट्री ऐसे दौर में हुई जब सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच चुकी है। दिल्ली अध्यादेश से लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक युद्ध जोरदार है और हम कह सकते हैं आरंभ ही प्रचंड है। हालांकि यह भी तय है कि नंबर गेम में विपक्ष की हार तय है और बुरी हार तय है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार को घेरने का पहला मोर्चा राहुल गांधी ही संभालेंगे। कल दिन में 12 बजे राहुल गांधी का भाषण होगा और भाषण के साथ ही राहुल गांधी की वापसी होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली अध्यादेश पर लोकसभा में इंडिया गठबंधन की हार के बाद अब से कुछ देर में राज्यसभा में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन सबसे प्रचंड और बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष की पहली मात के बाद अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देंगे, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह दावा कर चुके हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। दिल्ली का मैदान, संसद में घमासान और राहुल गांधी की वापसी। अध्यक्ष जी, ये नारेबाजी का स्थान है। मंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। बिल इज पास, विच आई एम श्योर इट विल नॉट बी। इसका मैं निंदा करता हूं और राजस्थान के ऊपर चर्चा साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां हैं। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भाग कर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। संसद में दिल्ली अध्यादेश पर जोरदार वार पलटवार। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा। उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री। अभी देखिए, उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और इसी बीच संसद में राहुल गांधी की एंट्री हुई और ये खबर भी आई कि कल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी खेमे से सरकार का पहला शब्दबाण चलाने का मौका भी राहुल गांधी को ही मिलेगा। व्यूअर्स, इस समय मैं मौजूद हूँ देश की संसद के बाहर और जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा में बहस लगातार जारी है, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार होने के बाद इस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जोरदार तकरार होने के आसार है। एक तरफ राहुल गांधी का इस सवाल होंगे तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री के जवाब होंगे, तो वाकई ये दिलचस्प नजारा होगा देखने के लिए। लेकिन आज देश की सदन में जो कुछ हो रहा है, आज हम आपको उसका एकदम सटीक विश्लेषण बता रहे हैं। कल से संसद में विश्वास प्रस्ताव को लेकर सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली, जिसका ट्रेलर आज ही दिख गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्षी गठबंधन सरकार को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि आंकड़ों के खेल में विपक्ष बेहद कमजोर है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिल्ली का मैदान, संसद में घमासान। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखा देते हैं सियासी पिक्चर का 360 डिग्री वाला विश्लेषण। आइए नजर डालते हैं कांग्रेस 137 दिन बाद संसद लौटे राहुल गांधी। कांग्रेस का जोश बड़ा हाई है। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली अध्यादेश पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में जीत की तैयारी है और बीजेपी अनुमानित आंकड़े से बड़ा आंकड़ा लाने में जुटी है।
आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यादेश पर नंबर गेम में पिछड़ने का एक बड़ा गम है और लगभग लगभग आज रात 9 बजे के बाद यह तय हो जाएगा कि कितनी बुरी तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यादेश पर पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा। विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो YRS BJD TDS का NDA को साथ देना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, यानी बीजेपी और NDA का जो नंबर था वो एक नंबर था, लेकिन इन सब का साथ आके खड़े हो जाना अपने आप में एक बड़ी प्रमाणिकता दे रहा है। बड़ा सवाल सियासी पिक्चर में NDA का पलड़ा भारी है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे वो दिल्ली का बिल हो। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान आ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मलूक नागर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बहुजन समाज पार्टी के। गौरव भाटिया है मेरे साथ इस चर्चा में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, प्रवक्ता हैं। राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ इनको एक नया चार्ज भी मिला है, छत्तीसगढ़ में मीडिया का प्रभार देख रही हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ कुलदीप जी हैं, कुलदीप कुमार MLA हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है, लेकिन शुरुआत आपसे कर लेते हैं। राधिका जी, आज आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि राहुल जी की वापसी हो गई है देश की संसद के अंदर। परसों तक तो आप बड़े सारे आरोप लगा रहे थे कि देखिए बीजेपी वाले उनकी सदस्यता नहीं होने जा रहे चाह रहे, लेकिन वीकेंड था, सैटरडे संडे देश के सदन बंद रहता है। आज जैसे ही पार्लियामेंट खुली और लोकसभा स्पीकर का ऑफिस खुला, पहला कागज जो सामने आया वो राहुल गांधी का था, या आपको लगता नहीं आप उतावले ज्यादा हो गए थे? अमीश जी, आज दूसरी बार आपने मेरे साथ यही सेम डायलॉग यूज किया, खुश तो बहुत होंगे। एक बार जब हम कर्नाटक का चुनाव जीते थे और आज फिर रही बात की खुश, आज खुशी बिल्कुल है, क्योंकि जो लोग साजिश कर रहे थे इंडिया की आवाज दबाने की, उनको करारा जवाब मिला है। जिन लोगों ने पूरी साजिश करी, और साजिश क्यों करी, क्योंकि उनको एक बात बहुत चुभी थी। आपको याद है ना कि संसद में आवाज उठी थी जिसमें कहा गया था मोदी अदानी भाई भाई, बहुत चुभन हुई थी कि इतनी साजिशें रची गई कि उसके बाद इंडिया की आवाज को दबाने की पूरी पुरजोर कोशिश करी गई। और हमने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या क्या कहा अपने वक्तव्य में, और गौरव जी ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वकील हैं, कि क्या क्या कहा गया हाई कोर्ट को भी। तो एक बहुत ही अच्छा, और मैं मानती हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और बढ़ने की जीत भी है, और आम जनता को कि जिनकी आवाज है। जब मणिपुर जल रहा था तो ये वही राहुल गांधी जी हैं जो मणिपुर गए थे, देश के प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए हैं। उनके पास UAE जाने का समय है, फ्रांस जाने का समय है, USA जाने का समय है, पूरा विश्व घूमने का समय है, लेकिन अपने देश में जो एक हिस्सा जल रहा है उधर जाने का समय नहीं है। ये उन लोगों की भी आवाज है जिनको परेशानी हो रही है नू में, जिनको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, दंगे पीड़ितों के लिए भी आवाज है। रही बात की और भी जितनी चीजें हो रही है इस देश में, जो हमारे बेरोजगार युवा है, हमारे किसान साथी हैं, जिनको 1.5 साल तक बाहर सड़कों पर बैठना पड़ा और प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था, इन सब की जो आवाज है, जो भारत जोड़ो यात्रा से जिन्होंने सबको तिलमिला दिया था, थर थर, मैं तो मानती हूं कि थर थर कांपने लग गई थी भारतीय जनता पार्टी, और इस मोहक उस पर आ गई थी कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह इस इंसान को हम संसद से ही बाहर कर दे। लेकिन देश की न्यायपालिका भी है, जिंदा है, मानती हूं कि ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ना रहे देश में, तानाशाही चले, लेकिन तानाशाही को बहुत करारा जवाब मिला। राधिका, अब आपका ये आरोप स्टैंड नहीं करता, क्योंकि तानाशाही चलती तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कैसे होती? अगर तानाशाही होती तो सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी राहत को देता? तानाशाही नहीं है इस देश के अंदर, आप जीते तो तानाशाही नहीं है, आप हारे तो तानाशाही है, ऐसा नहीं है। और इस देश में एक ही बार इमरजेंसी लगी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, कांग्रेस का शासन था तब, एक ही टाइम इमरजेंसी लगी, ना उसके आगे पीछे कभी लगी, ना कभी उसके बाद लगी। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया, राहुल गांधी की तो वापसी हो गई, कांग्रेस कहती है कि आपने लाख रोकने के यत्न करे, आपने लाख रोकने के प्रयास करे, लेकिन राहुल गांधी एक शेर है, वापस लौट के आ ही गया। तो 24 से पहले बड़ा झटका। नहीं अमीर जी, मैं सुन रहा था आपने दो बार कहा खुश तो बहुत होगी तुम, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा रेगिस्तान में है जहां खुशी की बूंदे जैसे पानी होता है ना, रेगिस्तान में बरसता है कभी कभी, वैसे ही है। और आज तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा
तमाचा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को पड़ता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पहले राहुल गांधी का वक्तव्य याद करिए। राहुल गांधी ने कहा विदेशी भूमि पर कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। आज भारत की जनता पूछ रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट को नरेंद्र मोदी जी चलाते थे तो फिर राहुल गांधी को ये राहत क्यों मिली? अगर लोकतंत्र मर गया था तो स्पीकर ने ही तो सदस्यता जो है राहुल गांधी की बहाल करी है ना अमीश जी, इसका मतलब तो लोकतंत्र जिंदा है। और मैं सबसे बड़ी बात आज कहूंगा, अभी आप देखेंगे डेली सर्विसेज बिल पर चर्चा हो रही है, एक करारा थप्पड़ आज पड़ेगा, पापी आपको भी पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को भी पड़ेगा। ये लोग एक साथ आए हैं केवल सहूलियत की राजनीति करने, और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हार जाएंगे वहां संसद के पटल पर तो एक और करारा थप्पड़ पड़ेगा, मतलब दोनों गालों पर सूजन होगी। और मैं इतना जरूर कहूंगा, राहुल गांधी की गद्दारी का चर्चा हर जगह है, क्योंकि आपने देखा आज एक और बड़ी खबर आई, न्यूज क्लिक नामक एक मीडिया एजेंसी मेरे साथ राधिका है। राधिका, आगे जरूर बात करेंगे, आपने जो विषय करा है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। राधिका जी, मेरा बड़ा बात पूरी कर लेते हैं, जी जी, आप जी टाइम लिमिट है। एक राधिका खेड़ा, महत्वपूर्ण बात, 30 सेकंड जी जी, मैं आपको मौका दूंगा। गौरव भाटिया, राधिका खेड़ा, आप राहुल गांधी की खुशी मना रहे हैं, लेकिन आज उसी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, आज दिल्ली का सर्विसेज बिल आ रहा है, जिस पे लगभग तय है एनडीए अपने नंबर को तो क्रॉस कर ही जा रहा है, लेकिन विपक्ष में सेंधमारी भी करी है। बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस सब बीजेपी के समर्थन में आ गई है, टीडीएस। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो आज ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है राहुल गांधी जी की वापसी से। देखिए किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि तमाचा, सूजन, मतलब ये तो लैंग्वेज है। आप एक आप देश के जो सत्ता में पार्टी है उसके प्रवक्ता है, अपनी भाषा शैली कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए मतलब आपने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा कि किसी कोई इतना अहंकार, चांटा, ये सब पता नहीं क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग, वेरी बैड। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी के बिल पेश हो रहा है। बिल्कुल, हमें तो पहले से ही पता था उनके पास नंबर्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चा नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सदन में चर्चा नहीं होगी और देश की जनता को पता ना चले कि असलियत क्या है और किस तरीके से ये बिल लेकर आ रहे हैं। इनकी तो आदत है कि चुपचाप बिल लेकर आने हैं। मोदी जी तो बिल ऐसे लेकर आते हैं कि जिन लोगों के लिए वो बिल है उनसे चर्चा तक नहीं करते। किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए, हमारे किसान भाई बहनों को 1.5 साल तक सड़कों पर बैठना पड़ा, लाठियां उनपे बरसी, 800 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए बहने। तो ये तो तरीका है इस देश के लेकिन ये आपको उम्मीद थी, कांग्रेस कह रही थी कि शेर की वापसी हुई है, टाइगर इज बैक इन पार्लियामेंट। बार बार कांग्रेस के नेता इसी तरह की बयानबाजी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल था, आज राज्यसभा के अंदर ये बिल जब पास होगा और एनडीए के नंबर को बीजेपी क्रॉस कर रही है, यानी एनडीए का नंबर बढ़ रहा है और विपक्ष का नंबर और कम हो रहा है, इसके बड़े सारे मायने हैं। गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई जी। धन्यवाद। देखिए, मेरी साथी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा वेरी बैड, भाषा की मर्यादा वेरी बैड। अरे आप लोग तो गाली गलौज रोज करते हो, गाली वाली मैडम भी है, आप भी है। मैं तो राहुल गांधी की बात कर लेता हूं, जो कोविड को मूवी बुलाते हैं, चौकीदार चोर है बोलते हैं, बाद में झूठ पकड़ा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगते हैं, जो कहती है शांत शांत शांत। देखिए अमीर जी, अब बौखलाहट है ना, इनके वकील है ना, बोला आप इतने ऐसे, आप मैं नहीं, बौखलाहट नहीं, आप वकील है ना, कान पकड़ के माफी मांगी थी। बोला था अब अमीर जी, गलत बात है, पता नहीं कैसी वकालत करते हैं, बेचारी बौखला गई। अच्छा, एक एक गलत तो बहुत कुछ है गौरव जी, आप मेरी चिंता क्यों कर रही है, आप मेरी चिंता क्यों कर रही है, राहुल गांधी की चिंता कर रही है, आप लोगों को मौका मिला था देश की चिंता करने को, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, अच्छा राधिका, राधिका आपके बीच में गौरव जी नहीं बोले, गौरव को 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप अपनी बात को रख लीजिएगा। मेरे साथ दो और भी नेता है,
मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स में क्यों? हाँ, पहले तो भाषा की बात। चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री जी को बोलता है वेरी बैड, कोविड को मोविड बुलाता है वेरी बैड, जो कहता है सरेंडर मोदी देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर देंगे तो सब सरेंडर कर देंगे वेरी बैड, और मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगते हैं, ये बात अलग है कि राजनीतिक कब्र राहुल गांधी की भाजपा ने खोदी है तो वेरी बैड। अब इनका विरोधाभास देखिए, कंफ्यूज राहुल गांधी और कंफ्यूज इनकी पार्टी। दो आपको उदाहरण देता हूं। पहला, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, पश्चिम बंगाल में आज अधीर रंजन चौधरी का वक्तव्य आया है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पता होना चाहिए कि अराजकता चरम सीमा पे है वहां पे, और आपके साथ ये बैठे हैं, लेकिन संदीप दीक्षित जो इनके पूर्व सांसद रहे हैं उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। क्या ये कंफ्यूज पार्टी नहीं है? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहत दी है जी, इस समय बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा से बड़ी खबर आ रही है, सदन में हंगामा तो मची रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है एक पार्टी वॉकआउट भी कर सकती है, वोटिंग से पहले एक पार्टी वॉकआउट करेगी, यानी विपक्ष का नंबर और नीचे जाता हुआ दिखेगा। अब लगभग ये स्पष्ट है कि दिल्ली सर्विसेज बिल बड़ी बड़े नंबर से पास हो सकता है, और ऐसा लगता है कि डिविजन मांगा जाएगा चेयर द्वारा, और अगर विपक्ष द्वारा अगर डिविजन मांगा भी जाएगा तो एनडीए का पलड़ा इस समय थोड़ा भारी नहीं, काफी भारी नजर आ रहा है। कुलदीप कुमार मेरे साथ है। कुलदीप कुमार, सही बात कह रहे थे गौरव भाटिया, संदीप दीक्षित गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, और खबर तो यह भी है कि कांग्रेस अंदर खाने खुश है दिल्ली के लिए जो बिल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ठीक है हो जाए एक बार दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए अमीश जी, पहली बात तो मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने सबको शांति से सुना। तो यहाँ जो भारत जलाओ पार्टी के नेता बैठे हैं गौरव भाटिया, मेरी बात को ध्यान से सुने, और जब उनकी बारी आए तब बीच में बोले, बीच में ना बोले उससे पहले। तो आज दिल्ली की जनता अमीश जी क्या कह रही है, सब्र की जहां तक है वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। हमारी पार्टी के लिए गलत आज अच्छा आज अपनी बारी में आपने भी बोल दिया ना पापी आप। अरे भारत जलाओ, देखिए मैंने पहले ही कहा था डबल अटैक नहीं, एक तो आप दिल्ली सर्विसेज बिल लेके आ रहे हैं, दूसरा इनको आप बोलने भी नहीं देंगे, इट इज अ बिग डे फॉर देम। जाते हैं जनता थप्पड़ मार देती है। एक सेकंड गौरव भाटिया, गौरव भाटिया अनफेयर है ये, ठीक है गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आप अनफेयर कर रहे हैं। एक तो दिल्ली सर्विसेज बिल आ रहा है, दूसरा आम आदमी पार्टी को बोलने भी नहीं दे रहे। आप सोचिए इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी आज, दिल्ली सर्विसेज बिल आ रहा है आज, और लगभग ये स्पष्ट है कि पास हो जाएगा ये बिल। गौरव कुलदीप जी, योर टर्न, मेक योर पॉइंट। अच्छा अमित जी, देखिए आज दिल्ली की जनता क्या बोल रही है, दिल्ली की जनता इस भारत जलाओ पार्टी को और मोदी जी को क्या बोल रही है, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर सितम तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। 1977 से लेके 2015 तक जो पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज दिलाने की बात करती थी, वो पार्टी आज अपने वादे से मुकर गई, और उसने दिल्ली के लोगों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उस पार्टी ने इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, और इस देश के लिए आज एक काला दिन है इतिहास के अंदर कि आज ऐसा लोकतांत्रिक असंवैधानिक ऐसा बिल संसद के अंदर आज लाया गया है, रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी जी हिटलर साई से इस देश को चलाना चाहती है अमीश जी, ये देश देख रहा है, वो झुकने वाला नहीं है, वो दबने वाला नहीं है। और मैं कह दूं कि इनके नेता साहिब सिंह वर्मा हमेशा पूर्ण राज्य की पैरवी करते थे, दिल्ली के अधिकारों की पैरवी करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी देश के इसके कानून के दिल्ली के अधिकार की पैरवी करते थे, लेकिन इन्होंने आज जो दिल्ली की जनता के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार को अदा करने का काम किया है, दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी, वो इनको दिखा देगी। देखिए अमीश जी 10 सेकंड और अमीश जी, दिल्ली के लोगों ने इनको दिखाया है,
अमित शाह जी और मोदी जी को दिल्ली में रैली करनी पड़ी, पर्चे बांटने पड़े, और 2015 में 3 सीटें इनको मिली, 2020 में 8 सीटें इनको मिली, एमसीडी में ये हारे, पंजाब में ये हारे, और इनका ये हश्र हो गया कि इनको डर के मारे, केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद से डर के मारे आज ये बिल लाना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल में अमित जी कि ये देश सब देख रहा है, अंत तो हिटलर का भी हुआ था, उसे भी बड़ा गुमान था अपनी तानाशाही पे, ये हिटलर शाही पे अंत भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है। अब आपने अपनी बात को रखा, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया शांत है, आप भी शांत रहिएगा, मेरा निवेदन है। गौरव भाटिया 50 सेकंड। कट्टर बेईमान परम भ्रष्टाचारी पूरे विश्व के सबसे भ्रष्टाचारी नेता अरविंद केजरीवाल, राजभूषण सिंह जनता पार्टी के कट्टर बेईमान, भूषण सिंह जनता पार्टी, शांत कुलदीप जी, भारत जनता पार्टी, ये गाली दे रहे थे हमारी पार्टी को। अरे ठीक है अमित जी, अब सिंगल विंडो काटिए, सिंगल विंडो। अरे गौरव भाटिया आप बताइए क्या करना है, आप अपनी बात को रखिए प्लीज। क्यों नहीं बताया आपको, क्यों नहीं बताए बताइए, जब आपका प्रवक्ता बोला सिंगल विंडो कटी थी। नहीं नहीं, आपको भी सिंगल विंडो में ले रखा है गौरव जी, बोलिए ना आप अपनी बात को, आप मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना ना, हमारे अब लेट पीसीआर डिसाइड इट, मैं भी नहीं बताता ये तो। अमीश देवगन में तो हम एक बहुत प्रभावी पत्रकार देखते हैं, आप हिटलर थोड़ी ना हैं कि आपको बताएंगे तो आप सर तन से जुदा कर देंगे। हमारी बात सुनिए, देखिए आज जब दिल्ली सर्विसेज बिल आएगा तो ये करारा थप्पड़ उसको होगा जो अरविंद केजरीवाल जब सार्वजनिक स्थलों पे जाते हैं तो जनता आके थप्पड़ मार जाती है। मैं कहता हूं ये गलत है, लेकिन जनता का भाव ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, अपने गुरु अन्ना हजारे को ठगा, उन्होंने कसम खाई बच्चों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए, उन्होंने कसम खाई अपने परिवार की, अपनी बीवी की कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। और अरविंद केजरीवाल आज एक बड़े घोटालेबाज हैं, ये भूल गए बताना सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित था और सर्वोच्च न्यायालय में ये स्टे मांग रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डिनेंस को स्टे नहीं किया। लेकिन आज जो बड़ा संदेश जा रहा है पार्लियामेंट के पटल पर, एनडीए की संख्या बढ़ रही है और आप देखिए बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने भी, ये विपक्षी जो दल है इनका समर्थन नहीं किया बल्कि वो हमारे साथ खड़ी है। ये दिखाता है नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता है जिसमें हर पार्टी की आस्था है और सबसे करारा थप्पड़ इनको बोलेंगे। कुलदीप कुमार आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन 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 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप केस जीते, एक मिनट सवाल ये प्रवीण तोगड़िया को बाद में दिखाइएगा, सवाल सुनिए। देखिए अगर सब नेता ये काम करने लगेंगे आईपैड के थ्रू बाइटें दिखाने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा, आगे आप दिखा लीजिएगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आप केस जीते, आज जो सदन में आप पे आरोप लगाए वो बड़ा गंभीर आरोप है, और जिस दिन आप दिल्ली आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीते उस दिन रात को आपने विजिलेंस टीम की मीटिंग बुला ली और फाइलें आपने मंगवा ली, ये आप पे आरोप लगे हैं आज और बड़े गंभीर आरोप है। एक सेकंड। और दूसरी चीज, दिल्ली में बाढ़ का टाइम वो चल रहा था, आपको बाढ़ को लेके मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आप विजिलेंस की मीटिंग बुलाकर आप अपना केस निपटा रहे थे, तो इसी वजह से तो दिल्ली के केंद्र सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, क्योंकि उनका आरोप है कि आप अपने भ्रष्टाचार को, करप्शन को, यानी घोटालों को छुपाने के लिए पूरा खेल खेल रहे थे, इसीलिए ये ऑर्डिनेंस आया है दिल्ली वालों का पैसा बचाने के लिए। देखिए ये रात को मीटिंग क्यों हुई थी ये बता दीजिए। अमीश भाई पहली बात तो भारतीय झुट्टा पार्टी के झांसे में ना तो दर्शक आए ना आप आए ना कोई आए। आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए कुलदीप भाई, मैं कह रहा हूं कुलदीप भाई आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए, मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, फाइलें मंगवाई थी कि नहीं मंगवाई थी, बोलिए आप ऑन रिकॉर्ड। देखिए मैं बता रहा हूं ना, आपको सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। देखिए मोदी जी के पास ईडी है, मोदी जी के पास सीबीआई है, मोदी जी के पास खुफिया एजेंसी है, हम फाइल मंगा रहे थे, ये बैठ के इंतजार कर रहे थे, फाइल मंगा रहे हैं, हम इंतजार करेंगे, इन्होंने क्यों नहीं उस समय रोका, तभी तो क्यों नहीं कुछ किया। पहली बात ये, कोई फाइल नहीं मंगाई गई, कोई कुछ नहीं किया गया दिल्ली के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए जो फाइलें होती है उनको मंगाया गया। पहली बात ये, जब दिल्ली की सरकार के पास अधिकार आए तो निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार दिल्ली के हित के लिए काम करेगी, बिजली के, पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। लेकिन मोदी सरकार को
यह बात रास नहीं आती, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट के अध्यादेश लाया गया। अमित जी आपके चैनल में बता दूं, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको विजिलेंस की फाइल मंगवाने के लिए नहीं था रात नहीं। कुलदीप जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला विजिलेंस की रातों रात फाइल मंगवाने के लिए था? हाँ या ना? अगर 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 बीजेपी के नेताओं ने, अगर बीजेपी के नेताओं ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है और उनके पास ना तो आपके पास कोई सबूत है, तो अपने गौरव भाटिया के पास कोई सबूत है, और सब सबूत में मुकदमा दर्ज करा दीजिए, क्यों नहीं कराते हैं? अगर सबूत तो किसी के पास नहीं है? ये खामा खा की बातें करना, देश को गुमराह करना कि इसलिए लेके आए। अरे मलूक नागर वांट टू कमेंट, मलूक नागर वांट टू कमेंट, गौरव भाटिया आल्सो वांट टू कमेंट, बट आई विल गेट, मेरे को मलूक नागर बीएसपी एमपी के पास जाता हूं, मलूक नागर व्हाटएवर, गौरव भाटिया मैं आपको मौका दूंगा, मलूक नागर है बीएसपी से मलूक नागर, अगर रातों रात इस तरह की बीटिंग हो रही थी, और अगर संसद में सांसद गलत बोल रहे हैं बीजेपी के, तो प्रिविलेज का नोटिस ला सकती है कोई भी पार्टी, उनको साक्ष्य देने के लिए कह सकती है, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कह सकती है, और करना पड़ेगा, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कोई दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। अमीश जी बड़ा ध्यान से सुनो, आप लोग जो अभी संसद की कार्रवाई हुई है उससे ना अपडेट नहीं है। अभी संसद में 3 बिल पास हुए हैं और तीनों पे मैं बोल के आया हूं, अभी अनुसंधान बिल पे, मीडिएशन बिल पे और राष्ट्रीय जल शक्ति पे, और एक डाटा का भी हुआ है, लेकिन उस पर मैं नहीं बोला। 3 बिलों पे विस्तार में चर्चा करके आया हूं, तीनों बिलों पे कंसर्न मिनिस्टर्स को जवाब देने पड़े हैं। आपका संसद में घमासान विषय है, और जो बोल रहे हैं इनको संसद में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं है। और तीनों बिल किसानों से संबंधित थे, एक पे प्रधानमंत्री के मंत्रालय में जो एमओएस हैं जितेंद्र जी, उन्होंने कृषि बिल पे गन्ने से संबंधित स्पष्टीकरण दिया और बात कही कि गन्ने पे भी हम रिसर्च करा करके जो कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। दूसरा मीडिएशन बिल, और मीडिएशन बिल पे ऐतिहासिक है ये, करीब 5 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो और 75 लाख ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मैं कहना यह चाह रहा हूं, जो संसद की कार्रवाई हो रही है वो इन्हें पता नहीं है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं संसद में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा को छोड़ करके बाहर बैठे, ये कहना चाह रहा हूं। दिल्ली के बिल वाले पे चर्चा ये कर चुके हैं, जो प्रधानमंत्री जी का बात का बहाना ले रहे थे, प्रधानमंत्री जब आएंगे जब चर्चा करेंगे, तो कल चर्चा कर ली, आज फिर गायब है, आज वहां पर कोई हमारे साथी लोग बैठे हुए नहीं है, पूरा दिन संसद चली है 11 बजे से लेकर के थोड़ी सी देर के लिए एडजर्न हुई है, और 7 बजे के करीब तक संसद चली है, 7:15 बजे तक, भाई ये कहना चाह रहा हूं। तो उन विषय पे चर्चा होनी रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं, जो अपर हाउस में दिल्ली का बिल जरूर आ रहा है, उसमें दिल्ली पे चर्चा होनी चाहिए, मेट्रो जहां बनी वहां सड़कें, वहां पे बिल्डिंगें टूटी हुई खड़ी हैं, उन पे चर्चा नहीं, जो रास्ता जहां विदेशी लोग, विदेश के प्रधानमंत्री, विदेश के राष्ट्रपति आते हैं शांति पथ, वहां बड़े छोटे पेड़ लग रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं, दिल्ली खूबसूरत कैसे हो उस पर चर्चा नहीं, दिल्ली संघई कैसे बने, न्यूयॉर्क कैसे बने, लंदन कैसे बने, टोक्यो कैसे बने, उस पर चर्चा नहीं। चर्चा है किसके पास शक्ति हो ट्रांसफर करने की, किसकी ईगो बड़ी हो, कौन बॉस हो, इस पर चर्चा चल रही है। क्या बात क्या हो रही है, आपका टेलीविजन की जो रेपुटेशन है, तो जो आज संसद में हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। बड़ी बड़ी नहीं, उसी पे कर रहे हैं हम राज्यसभा, आज राहुल गांधी आए तो वो भी संसद पे ही चर्चा है, राज्यसभा में अगर बिल आया तो उसी पे चर्चा है। एक चीज अमित शाह ने एक सेकंड, अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री ने सुपारी पार्टी बोला था आम आदमी पार्टी को, जिसका जवाब राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा में दिया है। गौरव भाटिया दूसरी बात वो कह रहे हैं, जो विजिलेंस का बीजेपी के सांसदों ने सदन के अंदर आरोप लगाया वो तथ्यात्मक नहीं है आम आदमी पार्टी ने। देखिए ऐसा है कि अगर मलूक नागर साहब और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, मेक योर पॉइंट गौरव, 40 सेकंड्स गौरव। हाँ जी, देखिए ऐसा है, मैं इतना ही कहूंगा, जैसे अरविंद केजरीवाल झूठा नंबर वन, वैसे ही उनके प्रवक्ता झूठा प्रवक्ता। क्यों मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल का झूठ पहले बताता हूं, आप देखिएगा उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमीर जी,
वो कह रहे थे ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई छुट्टियों पे। सुप्रीम कोर्ट कभी बंद नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच होती है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस को स्टे कर दीजिए, प्रमाण देता हूं मैं पूरे देश को, वो ऑर्डर मेरे पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑर्डिनेंस पे रोक नहीं लगाएंगे, ऐसे ही इनका प्रवक्ता झूठ बोला। आप ये बताइए क्या प्रवक्ता के पास ये जानकारी है या नहीं? वो कह देता कि नहीं, हमने नई फाइल मंगवाई शीश महल को लेके, लिकर स्कैम हुआ, शराब घोटाला, उसको लेके हमने फाइल नहीं मंगवाई। अरे ऐसी क्या जल्दी थी जी? कि जैसे ही संवैधानिक पीठ का फैसला आया, जहां जहां ये भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबे थे तुरंत वो फाइल मंगवाई। और आज सुधांशु जी हमारे साथी हैं, उन्होंने कितनी सही बात कही, अगर थोड़ी देर फाइलें इनके पास और रह जाती, ये कट्टर बेईमान पापी आप सारे की सारी फाइलों के साथ छेड़छाड़ करते, प्रमाण नष्ट करते, जैसा इन्होंने ये अपने आप में आरोप बहुत बड़ा है, ये अपने आप में आरोप बहुत बड़ा है कि रातों रात फाइलें क्यों मंगवाई गई लिकर स्कैम की, और जो घर हुआ है उसकी, जो बीजेपी ने आरोप लगाया। इस पर मैं जवाब लूंगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि दिल्ली सर्विसेज बिल इस समय पार्लियामेंट में है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। उधर तोशाखाना केस में 3 साल की सजा मिलने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इमरान खान को पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया, जहां इमरान खान के लिए किसी भी तरह का कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट नहीं किया गया। बताया गया कि इमरान खान के लिए जेल में एक अलग सेल जरूर तैयार किया गया, जिसमें एक पंखा, बिस्तर और टॉयलेट की सुविधा है। गौर करने वाली बात है कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अटक जेल में बंद किया गया, जिसमें पहले से 804 कैदी सजा काट रहे हैं। बताया गया कि इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से अटक जेल तक ले जाया गया। इस दौरान इमरान खान समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए अटक जेल के चारों तरफ पुलिस और एलिट फोर्स की तैनाती की गई, और जिससे अटक जेल के आसपास रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि अटक जेल के आसपास से गुजरने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई। ये रास्ता बंद करने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है जी। हम जाते हैं अस्पताल जाते हैं, या वॉक पे सुबह जाते हैं और बाजार जाते हैं, तो हमारे लेडीज बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये तो बड़ा मसला। हालांकि इमरान खान को अटक जेल में शिफ्ट करने के बाद वहां की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया। जेल के आसपास सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और कोई भी तस्वीर वायरल ना हो इसके लिए लोगों को भी हिदायत दी गई कि वो किसी भी मीडिया कर्मी को अपनी छत पर ना जाने दे। गौर करने वाली बात है कि पंजाब प्रांत की अटक जेल को पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में से एक माना जाता है, जहां आमतौर पर अंडर ट्रायल कैदियों को रखा जाता है, और ये जेल 118 साल पुराना है। उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के झंडे हाथ में लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया, और वहां से सामने तस्वीरों में सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर केवल पीटीआई के कार्यकर्ता दिखाई दिए। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ आए फैसले की खुलकर मुखालफत की और इमरान खान को रिहा करने की मांग की। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो इमरान खान के साथ थे और आगे भी इमरान खान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। हम जो हैं कि पाकिस्तान के साथ इमरान खान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस दौरान पीटीआई के कार्यकर्ता ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को चुनाव लड़ने से तो रोक सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? हर जगह से खत्म कर दें, लेकिन लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। गौर करने वाली बात यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के शहजादपुर और नवाबशाह के बीच एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा यात्री घायल बताए गए। हालांकि ये संख्या भी और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई हजारा एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। इसी दौरान नवाबशाह में सरहरी रेलवे स्टेशन के पास हजारा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को इलाज के लिए नवाबशाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल लाया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हादसा कैसे हुआ इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। शुरुआती जाँच में पता चला कि ट्रेन तय रफ्तार से जा रही थी। फिलहाल रेल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। हालांकि पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, जिसके लिए आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया।
तो वही राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां जोधपुर के रहने वाले अरबाज ने पाकिस्तान की अमीना के साथ ऑनलाइन निकाह कर लिया। बताया गया कि ये निकाह चोरी छिपे नहीं हुआ, बल्कि दोनों तरफ से रिश्तेदार और गवाहों की मौजूदगी में काजी साहिब को बुलाकर करवाया गया, जिसके पीछे की वजह और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। जोधपुर के रहने वाले अरबाज ने बताया कि वीजा मिलने में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए ऑनलाइन निकाह करवाया गया और अब निकाह नामे के बाद अमीना को वीजा मिल जाएगा। हालांकि अब निकाह तो कबूल हो गया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी दुल्हन के हिंदुस्तान आने की है, क्योंकि जब तक वीजा नहीं मिलेगा तब तक दुल्हन जोधपुर नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए अरबाज का परिवार सरकार से अमीना को वीजा देने की गुहार लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पाकिस्तान से 15 हिंदुओं को लेकर हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये लोग पहले टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से चित्रकूट पहुंच गए, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जिस घर में ये लोग रुके हुए थे उसे सील किया गया। साथ ही घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया। मामले में जिले के एसपी ने बताया कि इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनमें से एक ग्रुप पिछले साल भारत आया था जिसका वीजा खत्म हो चुका है। एक ग्रुप का वीजा एक्सपायर हो चुका है एवं दूसरे का भी जल्द ही होने वाला है। इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन दिया है। फिलहाल चित्रकूट पुलिस ने जांच पूरी होने तक पाकिस्तान से इन सभी हिंदुओं को पंचायत भवन में शिफ्ट करवा दिया। वाराणसी में ज्ञान वापी परिसर में चल रहे सर्वे को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बताया गया कि सावन महीने के पांचवें सोमवार को देखते हुए ज्ञान वापी परिसर में सर्वे में के समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक अब भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सुबह 10 बजे से सर्वे शुरू करेगी, क्योंकि सावन के पांचवें सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए सर्वे के समय में बदलाव किया गया। बताया गया कि बाबा की नगरी काशी में सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से सोमवार को होने वाले सर्वे का समय बदल दिया गया, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। इधर झारखंड के रांची में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सर्वे के दौरान परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद होने के दावे को गलत ठहराया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे में मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा किया। मूर्तियां दिख रही है, कमल दिख रहे, किस मस्जिद में मूर्तियां और कमल होते हैं? तो एएसआई सर्वे से तो बहुत सारी बातें और बाहर निकलेगी। बता दें कि एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है और हिंदू पक्ष लगातार सर्वे में मूर्तियों के पाए जाने का दावा कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पुरातत्व विभाग ने तीसरे दिन का सर्वे भी पूरा कर लिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने बताया कि एएसआई की टीम आधुनिक मशीनों से सर्वे कर रही है और जिसकी वजह से छोटे साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर के अंदर मूर्तियों के साक्ष्य पाए जाने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे के तीसरे दिन तहखाने से खंडित मूर्तियां पाई गई। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि मैपिंग का काम पूरा हो गया और सर्वे के लिए हर तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जो कोर्ट में मॉडर्न टेक्निक्स और सारी मशीनों का वर्णन है वो सारी तरह से काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को तीनों गुंबदों के नीचे वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, वहाँ पर फोटोग्राफी, मानचित्रण और मापन का काम किया गया। इसके साथ ही तीनों तहखानों की सफाई करा दी गई। व्यास जी के तहखाने का भी सर्वे किया गया और सर्वे के काम में अभी भी समय लगेगा। और पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की टीम वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है, जिसके बीच सर्वे के दूसरे दिन 4 फीट की मूर्ति पाए जाने का दावा किया गया, जिसे हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने झूठी खबर बताया। हिंदू पक्ष सर्वे के पहले दिन से ही एएसआई की तरफ से की जा रही कार्रवाई को लेकर संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन इस दौरान सर्वे में 4 फीट की मूर्ति पाए जाने की बात को हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने गलत बताया। मूर्ति कुछ नहीं मिला था, कल ये गलत अफवाह थी, मूर्ति कुछ भी नहीं मिला था, कोई एक भी मूर्ति नहीं मिला था। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से सर्वे के दौरान नंदी के सामने व्यास जी के तहखाने में मूर्तियों और मंदिर के टूटे हुए खम्भों के अवशेष, स्वास्तिक और कलश जैसी आकृतियां दिखने का दावा किया गया। उधर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का तीसरे दिन का सर्वे खत्म हो चुका है। सर्वे के बाद परिसर से बाहर निकले हिंदू पक्ष के लोगों ने बताया कि हम अपने दावे के नजदीक पहुंच चुके हैं और एएसआई की टीम लगातार अपना काम कर रही है। हालांकि अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक और लक्ष्मी ने सर्वे को लेकर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि जिन आकृतियों के बारे में हमने कहा था वो मौजूद है। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष में विशेष तौर पर खुशी देखने को मिली।
नंदी का दर्शन दे दाओ धरदानी। बता दें कि हिंदू पक्ष को भरोसा है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी को लेकर चल रहा विवाद थम जाएगा और मंदिर के पुख्ता सबूत सामने आएंगे। और इसी बीच एएसआई तीसरे दिन सबसे बड़ी सर्वे टीम के साथ ज्ञानवापी परिसर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच 58 सदस्यीय टीम को ज्ञानवापी परिसर में दाखिल कराया गया और ज्ञानवापी परिसर के अंदर चार टीमों ने अलग अलग हिस्सा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार। उस समय की बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का बयान है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बेईमान सरकार को चला रहे हैं, कांग्रेस का हर नेता पैसे कमा रहा है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है ये शासन, 2000 करोड़ का शराब घोटाला है और भी कई सारे घोटाले हैं। नेताओं की जेब में, कांग्रेस के लीडर्स की जेब में सीधा पैसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आप अध्यक्ष का यह बड़ा बयान है, आइए आपको सुना देते हैं क्या बोला है। न्यूज 18 का आज एक बड़ा कार्यक्रम था, उस मंच पे बोले हैं ये। 2000 करोड़ का जो घोटाला जो आप सबके सामने है, मीडिया के सामने भी आया, इसके अलावा हमने महासमुंद एक जिले को पॉइंट मान के वहां पे हुए करप्शन को बकायदा हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि केवल महासमुंद जिले के आधार पे हम एवरेज निकाले तो 9000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ में शराब में घोटाला हुआ है। आज भी हम जाके देखें, आप टेस्ट कर लें किसी शराब की दुकान में जाके, जो 200 रुपये का शराब है उसमें भी 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके कई तरह से करप्शन हो रहा है और सीधे नेताओं के जेब में पैसे जा रहे हैं। सीधे पैसे नेताओं की जेब में जा रहे हैं। राधिका खेड़ा, छत्तीसगढ़ में करप्ट सरकार चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है, बताइए। ये अमीर जी, मुझे ना समझ नहीं आता ये लोग किस तरह के क्या बोलते हैं। खुद जिनकी पार्टी शराब घोटाले में लिप्त है, वो सोचती है क्या हर दुनिया ऐसे ही लिप्त हो और वही काम करेंगे जो उनके नेता करते आ रहे हैं। उनके दो दो मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही। एक को सिर्फ अपने हेल्थ की वजह से बाहर आने के लिए बेल मिली, अपना इलाज कराने को। मनीष सिसोदिया साहब जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे और साथ में जब उनको देश के अपने दिल्ली के युवाओं के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए था, तो वो हमारी दिल्ली को बेच रहे थे शराब माफिया को और खुद पैसे कमा रहे थे, जिसकी वजह से देश दिल्ली में वो जेल में है। और इसका भी खुलासा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, इसकी लड़ाई भी कांग्रेस ने ही लड़ी थी और हमने ही इनको एक्सपोज किया था। तो जो खुद शराब की माफिया के साथ लिप्त है, वो दूसरों के घर, दूसरों पे जब उंगली उठाते हैं उनको पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। सारी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को इस खत्म करने दीजिए, इसी बात से हो रही है कि भूपेश कक्का ने छत्तीसगढ़ की रूपरेखा बदल दी। 5 साल पहले तक जब हम छत्तीसगढ़ आते थे तो पूरा कार्रवाई तो चली रही है ना, नक्सलवाद के नाम से छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। कार्रवाई तो हर ईडी की कार्रवाई तो चली रही है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के अंदर, करप्शन आम आदमी पार्टी कह रही है, करप्शन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस के नेताओं की जेबें भर रही है, ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल गए थे, उन्होंने भी बोला था कि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी है। और बीजेपी कह रही है कि इस बार 2 सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, भूपेश बघेल होंगे या फिर, क्योंकि भूपेश बघेल का चेहरा ऐसा हो रहा है तो टीएस सिंहदेव को आगे करा जा सकता है। यानी एक यहां पर एक स्थिति बन रही है, मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। मैडम होल्ड ऑन, मैं सीधा कुलदीप कुमार से रिएक्शन लेता हूं। कुलदीप कुमार, आप खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसीलिए आपको सब भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं। गौरव भाटिया ने बोला उसी विजिलेंस की रिपोर्ट को, उसी विजिलेंस की मीटिंग को आप इसलिए बुला रहे, आपने बुलाया रातों रात कि आप घर के मामले में और शराब घोटाले के मामले में पाक साफ हो जाए। राधिका खेड़ा की बात का जवाब देखिए, आप खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी और गौरव भाटिया जब भ्रष्टाचार बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इनके वो वाले हालात हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये राधिका खेड़ा ने बोला, गौरव भाटिया ने नहीं बोला, पकड़े गए कैमरे के ऊपर। ये ताबूत घोटाले में घोटालेबाज हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सेना के उसमें पैसे खाए, दलाली खाई। दूसरी बात ये भ्रष्टाचार की बात करते मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री तो कहते थे अजीत पवार ने एनसीपी के 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 2 दिन बाद अपनी पार्टी में शामिल करके उनको वहां का उप मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र के अंदर। हेमंत शर्मा के लिए बुकलेट जारी करके घूमती थी
पूरी भाजपा, इन्होंने क्या बनाया उसको, इन्होंने वहां का उसको मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, सैकड़ों लिस्ट ऐसी है जो भाजपा वॉशिंग मशीन पाउडर में नहा के बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए, जो है जो आपके अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के बोल रहे हैं, साल एक सेकंड केवल और केवल अडानी को आप अडानी पे चले गए। आपके छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी है, शराब घोटाला कर रही है और भी कई सारे घोटाले कर रही है, आप क्या कहते हैं उसके ऊपर? कांग्रेस के नेता कह रही है कि आप खुद शराब घोटाले में डूबे हैं, आप खुद भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए आपको सब भ्रष्टाचारी दिखाई देते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि हर राज्य के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, वहां की अपनी अपनी यूनिट्स हैं, वहां के अपने अपने विषय हैं, वो उन विषयों पर जो उनके पास तथ्य होते हैं उस पर बात रखते हैं, उस पर बात कहते हैं। लेकिन मेरा आज ये कहना अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी है, अरविंद केजरीवाल भी तो बोल के आए, भगवंत मान भी तो बोल के आए अभी रैली में कुछ दिन पहले। मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ की बात हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचारी है या नहीं है, प्रदेश की आप बात अपने हो, नेता के साथ है या उसके खिलाफ है? भ्रष्टाचार होगा, नहीं, आप अपने नेता के साथ है या उसके खिलाफ है? अमीश जी, मैंने क्या कहा आपको, जहां भी भ्रष्टाचार होगा आम आदमी पार्टी उसकी आवाज उठाएगी, आम आदमी पार्टी उसकी आवाज उठाएगी, उसकी आवाज को बुलंद करेगी, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, आम आदमी पार्टी उसकी बात को उठाएगी। दादी का खेरा कुछ कर रहा था, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरा निवेदन आपसे, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, दादी का खेरा जवाब, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी, जवाब दीजिए। आवाज उठा रहे तो अपने नेताओं के खिलाफ उठाइए। मनीष सिसोदिया जेल में है, आपके हेल्थ मिनिस्टर जेल गए, आप उनके ऊपर भी आवाज उठाइए। आप लोग किस तरीके से भ्रष्टाचार, आपके नई नई सरकार बनी, आपको अपने मंत्री को जेल में डालना पड़ा, तो भ्रष्टाचार के लिए अपने घर में पहले आवाज उठाइए, अपने घर की सफाई करिए। और जहां तक ईडी की आप बात कर रहे थे अमीश जी, मैं इंतजार कर रही हूं उस दिन का जब रमन सिंह और उसके बेटे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो है उनके घर में ईडी जाएगी, जिन्होंने पनामा में छत्तीसगढ़ का पैसा लाके छुपा दिया है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं कि 15 करोड़ वापस विकास के पास जाएंगे, विदेश का पैसा आएगा, गौरव भाटिया। अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले आप कांग्रेस की प्रवक्ता के पास गए, उसके बाद आप आपके प्रवक्ता के पास गए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के पास आप दोबारा चले गए, दिल्ली के मुद्दे पे आप चर्चा करते हैं। नहीं नहीं, दिल्ली में छत्तीसगढ़ का मुद्दा आ गया ना, ये है 2000 मामला छत्तीसगढ़ का आ गया। गौरव भाई, आपने देखा नहीं इंडिया के गठबंधन में कितना प्यार है? नहीं, छत्तीसगढ़ में हम लोग जो है क्या वहां पे नहीं है, बताइए मुझे। आप कांग्रेस के पास चले गए दो बार, भाजपा के प्रवक्ता के पास आपको आने की चिंता नहीं हुई, ये तो उचित नहीं है ना। आपके पास ही आ रहे गौरव, सोचिएगा आज। धन्यवाद। मैं आपको बताता हूं, वो एक कहावत है, गई भैंस पानी में, ऐसे ही है जनता आज कह रही है, गई घमंडिया शराब में। शराब में इसलिए कि शराब घोटाला करती है अराजक अपराध पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही ये है कि आप जानते हैं, भ्रष्टाचार को जन्म किसी ने दिया भारत में तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये घमंडिया जो है ना, ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, अगर लात घूंसा ना चलाएं एक दूसरे पे कुछ महाबात, तो आप देखिएगा ये लोग क्या साथ आएंगे। आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जब ईडी ने करी अमित जी, तो ट्वीट आया कांग्रेस की दिल्ली इकाई का कि हम गिरफ्तारी का स्वागत करते हैं। बेटा मेरी और तुम उसकी चिंता करो। अरविंद केजरीवाल वो है जिन्होंने कहा था सोनिया गांधी और अली बाबा के 40 चोर आ जा बेटा मेरी और उसकी चिंता करो, गांधी तुम हमारे इंडिया की चिंता मत करो, हम खुद कर लेंगे। अरे अनपढ़ गवार की तरह चर्चा मत करिए, न्यूज 18 में बैठे हैं क्या आज? अरे जाहिल आदमी तुम, जाहिल तुम हो, मैं थोड़ी ना हूं। बाय वन गेट वन वाला ठर्रा ले लिया क्या? शांत तमीज से। अरे जाहिल तो तुम लगाते, तुम्हारा काम है गौरव भाटिया, सम्मान दिया था तभी तो आवाज सुतरा रही है तुम्हारी, पी के आए हो क्या? अभी जी आप गांधी की पुड़िया लगा के आए हो क्या? अभी शांत कराइए इनको प्लीज, एक सेकंड मर्याद, गांधी की पुड़िया लगा के आए हो क्या यहाँ पे? शांत कराइए,
अरे क्या आप लोग नेता हैं, आप क्या बात आप कर रहे हैं, गांजे की पुड़िया और क्या क्या बात कर रहे क्यों हैं? ये गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, जैसे जैसे इनके और नेता वैसी गौरव भाटिया कुलदीप जी आप एमएलए हैं, आपको भी शोभा नहीं देता गौरव जी भाई, अगर एक तरह की मर्यादा नहीं होगी गौरव भाटिया को तो मैं भी बिल्कुल मर्यादा नहीं रखूंगा ये बात। एक काम करिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मर्यादा मत रखिए, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल सब तरफ से हो और सड़क छाप टाइप की डिबेट हो और उसके बाद ब्लेम चैनल पे लगे कि देखिए चैनल कैसी डिबेट कराता है, ये करता है, वो करता है, पूरी फौज। मैं तो निवेदन ही आप लोगों से कर सकता हूँ, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान है। देखिए आप भी एमएलए, आप गांजे की बात कर रहे हैं और अच्छा लगता है, मतलब एक चीज जो कि हम बच्चों को क्या पहले उन्होंने कहा है नहीं। देखिए अमीर जी आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पहले किसने बोला है। ठीक है, गौरव जी ने अगर बोला है तो मैं गौरव जी को भी बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे गांजे और सिगरेट और शराब, पता नहीं किस शराब घोटाला जरूर हुआ है या नहीं हुआ है, वो जांच में सामने आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, सबका सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी आप पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाई है, ये आपका मामला है, ये इंडिया वाला मामला है, इसको जरा निपटाइएगा, अलग से बैठकर एक बैठक करिएगा। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, मलूक नागर इंतजार कर रहे हैं लगातार, वो इंडिया पे जरूर कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड। देखिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि वो एक कहावत है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी गोबर ही करेगी, वैसे ही आपके प्रवक्ता है बीच में खुद बोलने लगे, इनके बीच में किसी ने नहीं बोला था। और मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है इनके ऊपर आज भी जो आरोप लगा रही हैं वो कांग्रेस की प्रवक्ता लगा रही हैं, लेकिन नफरत हमसे करते हैं, हम पे बात कर रहे हैं। अरे भैया तुम कहते हो घमंडिया में साथ साथ हो, तो घमंडिया में जो ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार है ये तुम्हें कह रहा है कि तुम ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी हो, उनका जवाब दो। और अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज ये सवाल नहीं पूछा जाएगा ठीक है, घमंडिया एक कैसे हो गए, क्या सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ रहे हैं? लेकिन ईमानदार नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा वैलिड पॉइंट था गौरव भाटिया ने ब्रेक से पहले उठाया था, विजिलेंस की मीटिंग वाला, उस पर जवाब दे दीजिए। और ये प्लीज मेरा निवेदन है, शब्दों की मर्यादा रखिए। कुलदीप जी 30 सेकंड। देखिए पहली बात तो मैं ये कह दूं आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ परोस रही है, झूठ फैला रही है, इनका काम केवल झूठ फैलाना है, इनका काम क्या मीटिंग नहीं हुई थी? अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद को, अरविंद केजरीवाल जी के काम को ये कैसे रोके, इसलिए अध्यादेश लाया गया। ना कोई विजिलेंस का मैटर है, ना कोई अधिकारी का मैटर है, मुद्दा तो ये है कि आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली के बिल के लिए काम कर रही है, लोगों को बिजली की सुविधा दे रही है, पानी की सुविधा दे रही है, लेकिन फिर भी इसे बोल रहे हैं। मुझे पता है बोलने देंगे, मेरी कविता सुन लीजिए, गद्दी उसको प्यारी थी पर जनता से गद्दारी थी, दोस्त देश बेच के सेट को देता, चलने में वो पैसे लेता, दरबार उसकी अनोखी थी, महिला शोषक साथी थे, मफलर वाले इलाकों में था तनाव, राजा के मन में था चुनाव और चुनाव की हुई सही। अच्छा ठीक है, लेकिन विजिलेंस की बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी, उसका कुलदीप भाई आपने जवाब देने दिया, लेकिन मलूक नागर ये इंडिया का काम कैसे चलेगा, छत्तीसगढ़ में गाली देंगे और दिल्ली में ताली बजाएंगे, कैसे होगा? मलूक नागर देखिए मुझे बोलने दो, एक तो मैं घोर निंदा करता हूं जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हंसी आती है। दूसरा जो इनको घमंडिया कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं, एनडीए कह रहे हैं, यूपीए कह रहे हैं, पर जो कुछ विपक्षी लोग इकट्ठे होके और बहुत सारे विपक्षी बाहर हैं, नाम जो भी दे दो, उसके लोग जो चार दिन पहले इकट्ठे हुए हैं और आपस में आज नेशनल टेलीविजन पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये इनका आगे गठबंधन कैसे चलेगा ये सोच की बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे, ये बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी की जो कार्रवाई है उसके ट्रैप में फंस रहे हैं दोनों लोग, आप पार्टी के भी और कांग्रेस के भी, और जो कसर रह जाती है आप पूरा करा देते हो।
दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। इनका तो टूट गया मलूकनगर गठबंधन, आरोप आखिर में अब हम पे ला देते हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बोल रहा है, हम बोल रहे हैं क्या? ओके ओके एक सेकंड, लेकिन 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 गौरव भाटिया मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, क्या रात को मीटिंग हुई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग आई, आम आदमी पार्टी कह रही है यह आरोप गलत है? 10 सेकंड। देखिए ऐसा है, एक बार भी आपने ये प्रश्न तीन बार पूछा, ना आपके प्रवक्ता ने कहा, ना पापी आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा। फाइलें चुरा रहे थे क्योंकि प्रमाण नष्ट करना था। ठीक है, ठीक और मलूक नागर जी को मैं बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो भाजपा ने मरवाए हैं क्या? अरे ये लोग पापी भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक हैं, दंगे कराते हैं, घमंडिया हैं, इनके पास जो है अपनी टांगों में दम लेकिन नहीं। अब मैं रुक करना चाह रहा हूं बहुत बड़ी खबर का, और अब बात एक बहुत बड़े खुलासे की। इसे आप एक बहुत बड़ा पर्दाफाश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये खबर आई तो सात समंदर पार अमेरिका से, लेकिन इसकी जड़ें भारत में मौजूद हैं। दरअसल भारत की लवारिस सुपारी मीडिया के अभिभावक का पता चल गया है। आप बोलेंगे लवारिस मीडिया का अभिभावक, सुनिए, मैं लवारिस सुपारी मीडिया शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी आदत है भारत के खिलाफ सुपारी लेकर झूठ फैलाने की। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह लवारिस मीडिया है कौन। ये वही लोग हैं जिन्हें अपने अलावा सब बेईमान और एक तरफा यानी बायस लगते हैं। ये वही लोग हैं जो एक वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा थे, तब इन्होंने जी भर के मन मर्जियां करी, मंत्री बनवाए, और अब जब ये लावारिस हो गए हैं तो इन्हें बाकी सब बड़े बेईमान दिखाई देने लगे हैं। आप शायद समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। अब यह भी समझ लीजिए कि इनका अभिभावक कौन है। दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके मुताबिक अमेरिकी बिलनर नेविल रॉय सिंघम ने भारतीय न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को बीते कुछ सालों में लगातार फंडिंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कॉरपोरेट फाइलिंग से न्यूज क्लिक को फंडिंग का पता चल गया है, और यह भी दावा है कि इस फंडिंग के बदले चीन के प्रोपेगेंडा को फैलाने का टास्क दिया गया था, यानी खबर देश के विरोध में, और क्लिक जो था वो जिनपिंग का था। दावा यह भी है कि 2018 से 2021 के बीच न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए मिले हैं, और वो भी मिले हैं सिंघम यानी नेविल रॉय सिंघम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रोपेगेंडा विंग के साथ जुड़े हुए व्यक्ति से। दावों को सही माने तो नेविल रॉय के जरिए चीन न्यूज क्लिक का इस्तेमाल भारत में चीन का एजेंडा और सियासी यानी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भले ही आज आई है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जुलाई 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यूज क्लिक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करी थी, याद करिए वो सीन। और सितंबर 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी न्यूज क्लिक के खिलाफ एक बड़ी छापेमारी करी थी, सर्वे किया था। लेकिन उस वक्त लवारिस मीडिया गैंग ने ईडी और इनकम टैक्स की जांच को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया था। आरोप लगाए गए थे कि अभिव्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है। यह भी कहा गया था कि लोकतंत्र के असली चौथे स्तंभ पर आखिरकार एक बड़ा प्रहार हो रहा है, बड़ा रोना रोया गया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो लोग उस समय रोना रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, हाय तौबा मचा रहे थे, तो तब खूब जश्न मनाते थे जब न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाता था, कोई खबर छापता था। लेकिन अब इस लावारिस मीडिया को सांप सूंघ गया है व्यूअर्स। ये वो लोग हैं जो पत्रकारिता पर ज्ञान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। आज ये लोग ना जाते ना गायब हो गए हैं, ना जाने कहां गायब हो गए हैं। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। निशिकांत दुबे के बाद देश के आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने क्या कहा और तीखे सवाल पूछे, सुनिए जरा। 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला जब ढोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास
उस समय चीन की सेना ने किया तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया, लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ डिप्लोमेट। याद कीजिए 2020 में गलवान में भारतीय शूरवीरों ने कैसे चीन के खिलाफ गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया था, लेकिन उस भिड़ंत पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। चीन की घुसपैठ को लेकर आज भी एक तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये सब वही लोग हैं, जबकि सरकार और सेना की ओर से इस पर करारा जवाब दिया गया और इंकार करती है। लेकिन आज ये लावारिस मीडिया बड़े सारे सवाल पूछता है, सोचिए किसके इशारे पे पूछता है, यानी चाइना के द्वारा संचालित है जो आरोप है, चाइना के द्वारा संचालित है वो चाइना जो हर मंच पे भारत का विरोध करता है, हर मंच पे भारत के खिलाफ खड़ा होता है, वो चाइना के साथ ये लावारिस खड़े हैं, ये लावारिस खड़े हैं और ये भारत पर सवाल खड़ा करते हैं, भारत के डेवलपमेंट पे सवाल खड़ा करते हैं, ये लोग वही हैं, इन्हें पहचानिए। नमस्कार, फिलहाल इतना ही।